आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं बेबाक बात। आज मेरे साथ बेबाक बात में जो शख्स हैं उन्हें मध्य प्रदेश के लोग बाबा के नाम से जानते हैं, बाबा सिंह देव, अरुणेश्वर शरण सिंह देव और बाबा। नमस्कार। बाबा कैसे हो गया सर? अधिकारी के बच्चे हैं हम लोग, फादर आईएएस रहे तो बड़े भाई साहब टीएस सिंहदेव साहब बड़े बाबा और मैं छोटे बाबा। पूरा छत्तीसगढ़ के साथ पूरा देश उन्हें उनकी एक अलग छवि के कारण जानता है, टीएस सिंहदेव साहब, बाबा सिंहदेव। वो आपके बड़े ब्रदर हैं जी। वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और आप एक्टिव पॉलिटिक्स को बाय बाय करके दूसरी तरफ निकल आए। सर, एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं था, कॉलेज में भी स्टूडेंट्स यूनियन में था, फिर मध्य प्रदेश NSUI का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, राजकुमार पटेल जी हम लोग साथ में थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, और उसके बाद ऑल इंडिया NSUI में भी पद मिला जॉइंट सेक्रेटरी का। तब हम लोग वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में रशिया गए, गॉर्बचोव साहब के ज़माने में 138 मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आए थे। इतना बड़ा वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत अच्छा एक्सपोजर था, भारत सरकार की तरफ से हम लोग गए थे, कई पार्टी के लोग थे उसमें, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे और उस समय जनता पार्टी के लोग भी थे, और बहुत ही एक अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर स्टूडेंट लाइफ में मिला। उसके बाद मैंने 88 के आसपास, होता यह था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, मैं भोपाल में रहता था, भाई साहब वहाँ रहते थे, यहाँ के नेताओं की नज़र में मैं ज़्यादा रहता था, जबकि काम वो ज़्यादा अच्छा करते थे और ज़्यादा करते थे, तो कई बार ऐसा हो जाता था कि इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने अर्जुन सिंह जी से, दिग्विजय सिंह जी से, पचौरी जी से जाके कहा, उस समय माधुराव जी से, कि मुझे कुछ करना है। तो बोले बताओ क्या पद चाहिए। मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं करना है, ये छोड़ के करना है। तो उसके बाद मैंने अपना खुद का काम शुरू किया। पहला काम जो मैंने किया वो सीट सर्टिफिकेशन एजेंसी में प्रिंटिंग टैग्स छापे। 5,000 रुपये का टोटल काम था, उसमें मेरे हिसाब से करीब 900 रुपये करीब बचने थे, मगर उसमें मैं स्कूटर का पेट्रोल खर्च डालना भूल गया था तो लगभग बराबर पे निकला। लेकिन काम करने का अनुभव की शुरुआत उस छोटे से काम से मेरी हुई, क्योंकि उसके पहले तक मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं था। आप राज परिवार से जुड़े रहे जी, पिताजी आपके प्रशासनिक सेवा में थे IAS जी, उसके बाद भी लगता था कुछ काम करना है। सर, हमारे पिताजी भी IAS रहे, चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, माताजी भी 3 बार मंत्री रहीं, लेकिन उनने हमेशा ये सिखाया कि खुद का काम करो, अपने आप करो, पूर्वज जो दे गए हैं, जो तुम्हारे पास है, पेरेंटल है, वो अपनी जगह है, वो अपने अगली पीढ़ी को दे के जाएं, खुद का बनाओ, खुद बनो। ये खूबी है इस परिवार की। और हम छोटे बाबा की बात करें तो आप भोपाल राइफल क्लब हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, और वो तमाम सारे खेल जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे या जिनको देशज खेल कह दिया जाता था, क्या पतंग उड़ाना भी कोई गेम हो सकता है क्या, हर जगह बाबा की टांग अड़ी हुई है। बाबा ने इतने काम किए कि बाबा से अगर एक बार पूछा जाए तो आप खुद भी नहीं बता सकते कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। सर, ये तो सबका प्रेम है कि वो लोग जोड़ते हैं, क्योंकि कुछ काम हमने शुरू किए हैं, कुछ काम दूसरों ने शुरू किया जिन्होंने हमको जोड़ा, और मिलजुल के हम लोगों ने प्रयास किया कि भोपाल के लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इधर पर बात करते हैं कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वो शूट कैसे होगा, उसके बाद वो पतंग कैसे उड़ेगी, और फिर भोपाल हॉकी की नर्सरी है तो हॉकी के लिए भी कुछ कर लिया जाए। मुझे लगता है एक से दूसरे को लाभ ज़्यादा मिलता है, नुकसान कम मिलता है, क्योंकि जो दूसरी जगह के खराब अनुभव होते हैं उनको जल्दी से आप यहाँ से काट सकते हैं, और जो अच्छे अनुभव होते हैं वो जोड़ सकते हैं, उसका लाभ लेके वो संस्था आगे बढ़ती है। एक काम और शुरू कराया भोपाल में, जो अब जिसके कारण भोपाल की एक नई ख्याति बन रही है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स जी। उसका श्रेय तो AV सिंह साहब को जाता है। हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स खुद खेला करते थे, मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी बुलेट मोटरसाइकिल पे पूरा किया है, हिमालयन रैली एक हुआ करती थी 4 दिन बड़ा, की बड़ा फेमस, बहुत हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जलसा, तो उसमें हम लोग पहले थे भोपाल से जिन्होंने मोटरसाइकिल से ही रूट करने की अनुमति ली और हमें दी गई। पार्टिसिपेट हमने रैली में एज अ 1-2-3 पार्टिसिपेंट नहीं किया,
और उन्होंने अनुमति दी कि इस रूट को आप मोटरसाइकिल से कर सकते हैं। वो एडवेंचर का एक बहुत अच्छा मुझे वो याद है। फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके स्काई डाइविंग की, कुछ अंडर वाटर भी, जहाँ थाईलैंड वगैरह में मौके मिले वो एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलने के, वो किया। कुल मिला के एडवेंचर, नेचर से बहुत लगाव है, प्रकृति से शायद छोटे उम्र से परिवार के लोग ने गांव में जंगल में बहुत रखा, तो वो एक और जो छत्तीसगढ़ में भी आप खूब रहे, तो वहाँ तो जंगल ऐसी नेमत बरसी हुई है खुदा की। जी छत्तीसगढ़ ही में ज़्यादा रहा जंगल में। यहाँ मतलब हम लोग की गर्मी की छुट्टियाँ लंबी हुआ करती थी, आजकल तो बीच में परीक्षाएं जाती हैं फिर छुट्टी फिर वो, हम लोग को इकट्ठा 2.5-3 महीने की दो महीने छुट्टी में, छुट्टी मिलती थी कम हाँ से कम। तो वहीं रहते थे, तो वहाँ गांव भेज दिया जाता था। कुछ पुरानी रूढ़िवादी चीज़ें थी उनको सुधारने के लिए भी पिताजी भेजते थे कि गांव गांव में जाओ, सबको बताओ कि हम सब एक हैं, ये जो डिफरेंस लोग पैदा कर देते हैं कि आप फलाने हैं, आप ढिकाने हैं, ये सब गलत है। तो हम लोगों ये आप को लोगों ने शुरुआत की, नहीं तो राज परिवार ही ये डिफरेंस बनाते रहे हिंदुस्तान में कि हम राजे रजवाड़े हैं, आप आम आदमी हो, आप गरीब गुरबे हो। हाँ ये सही है, काफ़ी हद तक सही है। और हमारे पिताजी शायद क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो उनका रोल ऐसा उनका रहा नजरिया बिल्कुल होगा। अलग हाँ होगा। जब वो IAS ज्वाइन किए तब सेंट्रल प्रोविंसेस थे और उनकी पहली पोस्टिंग अमरावती थी, फिर बाद में भोपाल आए और उनको मध्य प्रदेश, कंबाइंड मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो नहीं चाहते थे सेपरेट छत्तीसगढ़ बने, उनको ऐसा लगता था कि बड़ा यूनिट बहुत प्रोग्रेस करेगा। सब मिला के जो संभावनाएं उनको दिखती थी मध्य प्रदेश की, वो एक इतने काबिल स्टेट बनने की दिखती थी, पर जो नियति को मंजूर था वो हुआ और शायद छत्तीसगढ़ को उससे ज़्यादा फायदा हुआ, मध्य प्रदेश को उतना शायद नहीं हुआ होगा। तो उनका उनका जो विजन था प्रशासनिक, वो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छे अनुभव के रूप में हम लोगों को मुफ्त में घर में मिलता था। वो हम लोग, जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि हम लोगों को गाँव में पुरानी परंपराएं थी कि राज परिवार से कोई जाता है तो लोग उसको बिठा के पाँव वाँव धोते थे, तो वो विरोधी थे इन चीज़ों के, कहते थे ये ठीक नहीं है, तुम हम बराबर हैं, कोई किसी के हाथ पांव नहीं धोएगा। तो हम लोग गांव जाते थे, लोगों को समझाते थे, कई बार पुराने लोग, बड़े लोग, वहाँ के सियान लोग जो हैं वो हम लोगों को डांटते भी थे कि आप ये सब रोक लगा रहे हो, बारिश नहीं होगी, तो अगली बारिश का हम बेसब्री से इंतजार अब करते बारिश थे, होना कहीं नहीं हुई तो चाहिए बाबा को इतनी गाली पड़ेगी उस गाँव में अगली बार। लेकिन एक आध बार हुआ भी तो हम एक बारिश छोड़ के गए जब अच्छी हुई कि देखो भैया हो गई, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत रिजिस्ट करते थे पुराने लोग। ये बड़ा काम होता है रूढ़ियों को तोड़ना, बंधनों से, कुबंधनों से मुक्त करना जी लोगों को, बड़ा अरसा लगता है। अरसा लगता है, कहीं कहीं अरसा लगता राजा है, अरसा राममोहन लगता है। राय हाथ शुरुआत मिलाते नहीं करते थे हम हैं, लोगों से आसानी से, लोग क्योंकि दूरी मुझे बन मुझे याद है बैठते कि थे। राजा राममोहन राय को भी पढ़ा देखा कि रूढ़ियाँ तोड़ने में सदियाँ गुजर गईं, लेकिन जो नए कथित राजे रजवाड़े अब पैदा हुए हैं वो तो अब भी इनको उतना ही मानते हैं। अब मुझे लगता है कि ये तमाम मानसिक तम चीजें तमाम नव धनाढ्य जो हैं। पैदा हुए हैं कथित नए राजे रजवाड़े में। हाँ आजकल तो देखिए राजा क्या था, सत्ता थी और अपॉर्चुनिटीज को आपने संग्रहित कर लिया था अपने पास, तो आप ही एक देने वाले सोर्स थे। तो उसके साथ जो अच्छे राजा थे उन्होंने अच्छा किया, हमारे पास मर्यादा पुरुषोत्तम का भी एग्जाम्पल है, और कुछ खराब राजा भी थे जिन्होंने खराब काम किए, तो दोनों बातें हुई। और मेरे फोर फादर्स की मैं विजन मानूंगा, मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से सरगुजा के मंदिरों के जितने केयर टेकर्स थे वो आदिवासी परिवार थे, ऐसा कम राज्यों में था लेकिन वहाँ था, पुजारी जरूर ब्राह्मण परिवार से थे पर केयर टेकर्स हमेशा आदिवासी समुदाय से थे। तो सबको जोड़ने वाली बात वो भावना, सबके साथ मिलना जुलना, वहाँ के रीति रिवाज, फंक्शंस जो होते थे वो भी ऐसे ही होते थे जिसमें हर समाज के फंक्शन में राजा। हमारा दर्शन ही इसी किस्म का है, अद्भुत और विलक्षण। हम आपने भगवान श्री राम की बात की, राम ने भी जब 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 जो जो पात्र उनके पास आए, केवट हो, शबरी हो, उनके पास जो पात्र थे वो दलित थे या सुग्रीव हो। दलित का माने कुछ किसी जाति विशेषता नहीं था, जो पीछे छोड़ दिए गए, जो पिछड़ गए हों, जिनको एकाकी जीवन जीना पड़ रहा है, उन सबके भी लोगों ने काम किया। देखिए शेड्यूल ऑफ कास्ट्स और शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स एक प्रशासनिक व्यवस्था हाँ, थी, उसको हमने जातियों पे, और अब राजनीति में उसका एक विशेष रोल हो गया है, तो और शायद मुझे लगता है कि देश अगर में जातियों की उतनी ही जरूरत है जिस पर राजनीति चलती रहे। हम बात करें तो शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स में जो गोंड समाज है, जितने बरस उसने इस पृथ्वी पर राज किया है उतना तो किसी किसी भी समाज नहीं ने नहीं किया। किया। तो ये तो मौके और अपॉर्चुनिटी की बात है और ये साइकिल है, कोई कभी ऊपर रहेगा, कोई कभी नीचे रहेगा। समाज भी हमने बनाए, अगर हम अर्ली मैन में जाएं तो अर्ली मैन भी शेर की तरह रहता था,
ना उसका परिवार था ना उसका कोई था, उसको कोई समझ नहीं थी, वो कैसे भी रहता था, नोमैडिक था। धीरे धीरे उसने परिवार बनाया, शायद वाइफ उसका पहला या माता पिता रहे होंगे, जो भी उसने एक परिवार बनाया, कुटुंब बनाया, फिर धीरे धीरे गांव बनाया, गांव बना के राज बनाया होगा, कबीला बनाया होगा, ये हम मान सकते हैं कि ऐसे ही प्रोग्रेशन हुआ होगा। फिर ये सब करते करते जाति धर्म बनते चले गए। तो जहाँ एक तरफ ये जाति धर्म सब बनाने वालों की सोच सबको जोड़ने और अच्छा करने की रही होगी ओवर द ईयर्स, उसमें कुछ कुरीतियाँ भी आ गई। तो जितनी जल्दी हम एजुकेशन से इनको दूर करेंगे और इसको जोड़ने के काम में वापस लाएंगे, मुझे लगता है उतना अच्छा समाज निर्मित होगा। यकीन उतना ही अच्छा समाज निर्मित होगा। बाबा सिंहदेव से हमारा बातचीत का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। विभाग बात में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय, मैं सही मायने में कहूँ तो, एक सोशल वर्कर, एक ऐसा आदमी जो हर चीज़ को खेल की तरह लेता है और कहता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से काम किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, बाबा सिंह देव जी, अरुणेश्वर सिंह देव। इस इतना लंबा नाम सर, नाम तो अरुण सिंह है, हमारे पाँच पीढ़ी, हाँ बस इतना ही नाम है। पाँच पीढ़ी पहले हमारे परिवार में डेथ होने लगी बच्चों की, पंडित जी लोगों ने बताया कि इस सिंह को, इस अरुण सिंह को ईश्वर की शरण में देव। तो हम ईश्वर की शरण में हैं, अरुण के ईश्वर की शरण में हैं। कुछ अच्छे के लिए होता है कई बार, तो ये मान लेना चाहिए कि जी 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 जी। अब मुझे याद आता है कि ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था पूरा, अटल बिहारी लाल वाजपेयी जी, तो लिखने में नहीं आता था, तो उनके पिताजी भी टीचर थे, तो कहा कि अब तुम्हारे पिताजी प्रिंसिपल ने, उनसे कहो कि छोटा छोटा करें, रजिस्टर में आता नहीं है, तो लाल हट गए अटल बिहारी वाजपेयी। तो कई बार नाम छोटा बड़ा होने से, और अब तो लोग जो ज्योतिष को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को, कॉमेस्ट्री को, तमाम वो स्पेलिंगे भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन राज की बात की, अब राजनीति की बात करें जी, जो आपका खाका है पूरा का पूरा, उस हिसाब से तो आपको मध्य प्रदेश में मंत्री होना चाहिए। मंत्री होने के लिए पहले विधायक होना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली कभी विधायक का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। पहले मिला नहीं, मिला नहीं, या कोशिश ही नहीं की? नहीं, कोशिश की। पहले जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, तो हम लोग परिवार में पहले मदर चुनाव लड़ती थी, फिर ब्रदर चुनाव लड़े। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जब अलग हुआ, तब यहाँ अपॉर्चुनिटी आई, तो भोपाल से चुनाव लड़ने का मन था, पर दूसरों को मौका मिला तो उनके लिए काम किया। और कोऑपरेटिव का चुनाव ज़रूर लड़े, और वहाँ मध्य प्रदेश राज्य सरकारी आवास संघ में डॉक्टर गोविंद सिंह साहब के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे, फिर जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो पदेन अध्यक्ष रहे, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। काम करने का समय कम मिला, लेकिन उसमें हम लोगों ने काफ़ी सुधार आवास संघ में किए थे, 2.5 साल में काफ़ी अच्छी योजनाएं भी लाए, काफ़ी लोगों को रिलीफ भी दिया। क्योंकि आपके परिवार में राजनीति की लंबी परंपरा है, अगर हम राज परिवार को छोड़ दें तो, जब जिसको हम कहते हैं कि चुनावी राजनीति, उसमें भी आपके परिवार के बहुत सारे लोग रहे। जी सर, फैमिली में अगर अब हम करंट फैमिली की बात करें, तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं जी, हिमाचल प्रदेश में झंडा गाड़ा हुआ है मध्य प्रदेश का, वो भोपाल का झंडा, भोपाल यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी रही हैं, तो भोपाली झंडा हिमाचल में भी गड़ा हुआ है। पंजाब की प्रभारी हैं, पंजाब की प्रभारी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी हैं, अच्छा काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। और मौसा जी हमारे, वीरभद्र सिंह जी सीएम रहे हिमाचल के कई साल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी काम किया उन्होंने एज मंत्री। बड़े भाई साहब छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, लोग तो ये कहते हैं कि उन्हीं को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। अब ये वहाँ के जो आम मानस का जो मन है,
यही नहीं, था। उसके लिए सबका धन्यवाद। और जब तक ऐसी भावना ज़्यादातर मंत्रियों के लिए रहेगी तो वही सरकार अच्छा करेगी, क्योंकि मुझे लगता है जो लोगों के बीच रहेंगे, जो लोगों के काम करेंगे, जो लोगों की समस्याओं का निराकरण करें, इसी उम्मीद से तो आपको वहाँ पहुँचाया जाता है। ये जो व्यवस्था, अच्छा, ये सच है कि टी एस सिंहदेव और अरुणेश्वर शरण सिंहदेव की बात करें तो दोनों विपरीत धाराओं के लोग हैं। हाँ, मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, वो बहुत शांत हैं, वो ज़्यादा टॉलरेंट हैं, मैं कम टॉलरेंट हूँ। पॉलिटिकल विचारधारा एक है, पर उसको अचीव करने के लिए जो रास्ते हैं वो, उसमें फ़र्क है थोड़ा थोड़ा। कहीं लड़कपन के कारण तो ऐसा नहीं हुआ, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया कि ये बहुत लड़ते हैं, पता सर नहीं मंत्री जब बन गए तो क्या कर देंगे। हो सकता है, हो सकता है, ये इसमें कहाँ क्यों नहीं दिया, इसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। हमेशा ये बात हुई कि नहीं आगे देंगे, ये देंगे, वो ये तो देंगे। कभी खुद से भी बात होती होगी ना कि मुझे क्यों नहीं दिया आप। मुझे मुझे जो लगा, जो जो मुझे लगा खुद से, मेरे अपने आकलन में, अभी कितना सही है कितना गलत है ये मैं नहीं कह पाऊंगा, मुझे ऐसा लगा कि जो लोकल पॉलिटिक्स थी यहाँ की, भोपाल की, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा कि ये तो वैसे ही अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ आएंगे तो शायद हमारी स्पेस में इंटरफेयर करेंगे, वो मेरे लिए शायद सबसे ज़्यादा बाधक रहा होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के जो अलग-अलग सीनियर लीडर्स रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनमें से किसी को भी व्यक्तिगत तौर पे, कांग्रेस पार्टी के काम के तौर पे, या किसी भी अन्य काम से रिलेटेड जो बातें हैं उससे किसी प्रकार की परेशानी रही होगी। पचौरी जी के साथ मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। दिग्विजय सिंह साहब के साथ मैं वाइस चेयरमैन आवास संघ रहा, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। माधवराव सिंधिया जी के साथ मैंने बहुत काम किया और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित भी था। विद्याचरण जी के साथ जब वो जेल यहाँ गए थे, तब से लेकर तब मेरा पहली बार उनसे इंटरेक्शन हुआ था, क्योंकि मेरी मदर भी जेल गई थी, मेरी सिस्टर भी जेल गई थी, तो केवल प्रदर्शन करने के लिए। और उसके बाद श्यामाचरण जी यहाँ थे, तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन काफ़ी उनसे मुझे पॉजिटिव, और बरसों भी विद्याचरण जी को मैं दिल्ली भी मिलता रहा, जब वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में नहीं रहे तब भी। तो मुझे नहीं लगता कि सुभाष यादव जी से मेरे बहुत ही अच्छे संबंध थे। कॉपरेटिव के बड़े नेता थे हाँ, मध्य प्रदेश के। कोऑपरेटिव के बहुत बड़े नेता थे, और लोगों की पल्स उनके समझने की, अभी जो उस किस्म के जननेता अब नहीं है, नहीं साफ साफ है, कहें तो। है, समय बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा सत्ता में रहने का ही हुआ है, उससे थोड़ी दूरी हो गई और थोड़ा हमारा वर्कर कॉम्प्लेसेंट हो गया, थोड़ा उतना सड़क पे लड़ा नहीं, आया नहीं। अब इच्छा यह है कि अब प्रत्यक्ष रूप से राजनीति जो है वो की जाए। बिल्कुल वैसे ही की जाए जैसे पहले करते थे, बस अब ये इलेक्टोरल पद के पीछे तो नहीं ये भागना है। ज़्यादा जोरदार है। लोग कहते हैं कि बाबा किसी को पद दिलवा सकते हैं, बाबा किसी को मंत्री बनवा सकते हैं, बाबा की सिफारिश से काम हो सकता है, तो ये ज़्यादा अरे अच्छा साहब, नहीं है। इससे अच्छी गलतफहमी किसी को हो तो, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं करा सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो सिर्फ फोकस उसी पर रहता है। मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि कुछ लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ कि मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा से जुड़े, और मैं वो करता रहूँगा। और क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो एक अच्छी सोच है, और उससे भारत ने इतने सालों में, आज जो भारत की स्थिति है, उस सोच का ही एक बहुत बड़ा उसमें योगदान है, और आने वाले समय में भी ये जोड़ने वाली सोच से जब भारत आगे बढ़ेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम वर्ल्ड नंबर वन कंट्री तो होएंगे। एक चीज़ और, अभी चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, हाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, बहुमत के आसपास कांग्रेस को सीटें मिल गई, सरकार बन गई, लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारा का सारा किया धारा जो था वो फिर चौपट हो गया। जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह ऐसे ही हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो विधानसभा का चुनाव, तो मध्य प्रदेश की अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में मुझे इससे ज़्यादा सीटों की उम्मीद थी। मुझे जहाँ कुछ ठीक नहीं दिख रहा है वो विंध्य है, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के हिसाब से। जैसे वहाँ अजय सिंह जी हैं, जैसे वहाँ राजेंद्र सिंह जी हैं, मुझे पूरी उम्मीद थी ये लोग जीतेंगे, और कई कैंडिडेट्स और थे जिनका मुझे लग रहा था कि जीतेंगे, ये लोग नहीं जीते। तो मैं कुछ सस्पेक्ट कर रहा हूँ, पर अभी जब तक कोई प्रमाण नहीं हो कुछ बोलना ठीक नहीं। लोकसभा चुनाव में भी मुझे लगता है कि अच्छा, उन्हीं लोगों से हम मिले विधानसभा में,
लगभग उन्हीं लोगों से मिले लोकसभा में, उन्हीं लोगों ने अपनी बातें बताई विधानसभा में, उन्हीं लोगों ने अपनी बातें बताई विधान लोकसभा में। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोकसभा के रिजल्ट हैं, जो लोगों से इंटरेक्शन हुआ, उसके बिल्कुल अनुरूप तो नहीं। नहीं, लेकिन जब हम लोगों की बातचीत होती थी, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो इशारे इशारों में हम लिख सकते हैं पत्रकार होने के नाते, बहुत खुल के तो किसी की आलोचना कर सकते तो हम ये बात जरूर कहते थे कि लोग जो हैं वो अचानक विधानसभा चुनाव के बाद स्थितियाँ मध्य प्रदेश की बदली हैं, कांग्रेस के लीडर से भी बातचीत होती थी, अब ये आपके पक्ष में माहौल नहीं है, कुछ कीजिए, तो लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते थे। नहीं, ये आपकी कुछ लोगों से बात हुई होगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो नेशनल एजेंडा बना, वो नेशनल एजेंडे में हमको जहाँ पिछले 5 साल के मोदी जी के कार्यकाल की बात करनी थी, उसकी जगह हम सिर्फ एक दो इश्यूज़ को लेकर ही बात करते रहे। उस पूरे कार्यकाल की बात को एजेंडा बनाना था कि ये बातें इन्होंने करी थी, ये प्रोमिसज इन्होंने करे थे, ये नतीजे, उस पर डिबेट बहुत कम हुआ। रफेल के आसपास उलझ के रह गए, तो कह रहा हूँ रफेल में उलझे रहे, दूसरे दो चार दो तीन मुद्दों पे जो भी थिंक टैंक रहा होगा या जो भी कि जो एक राष्ट्रवाद का मसला था, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा था पूरा का पूरा, उसको नहीं समझ पाए। नहीं, समझ क्यों नहीं पाए, मतलब ये तो सामने ही था, लेकिन उसमें नहीं समझने वाली बात क्या है? पाकिस्तान का झंडा उखाड़ के भारत ने बांग्लादेश से फेंक दिया कांग्रेस पार्टी के जमाने में, तो कांग्रेस पे कोई इस तरह का आरोप लगने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराता वहां बांग्लादेश का झंडा फहराता है। अमेरिका जैसी ताकत से लड़ा है भारत, और वो भारत जो उतना सक्षम नहीं था, तो ऐसे में सैनिक कार्रवाइयां, जब सैन्य कार्रवाइयां होती हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, तो इस पे भी सवाल उठाना ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन कभी सवाल उठाया नहीं, उसको मैंडेट कर दिया जाता है ऐसा जैसे सवाल उठाया। सवाल जो उठाते हैं वो उसके आसपास की जो प्रक्रिया होती है या उसकी जो कुछ दूसरी बातें होती उन पे होता है, सवाल इस बात पे नहीं होता। पाकिस्तान को ठोकने में तो भारत का कोई कोने का कोई इंसान नहीं होगा जो खड़ा नहीं होगा साथ में कि चलो चलते हैं बॉर्डर तक, यहाँ तो छोड़ दीजिए। कहीं बाबा ऐसा लगता है आपको कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं या जो कुछ पॉलिसी मेकर हैं, वहाँ कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं सर, मुझे जो लगता है, जो मुझे लगता है वो ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया है, जो पेपर मीडिया है, जो टेलीविज़न मीडिया है और जो प्रचार तंत्र है, वहाँ बीजेपी और खासकर नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा उनकी वहाँ पे पकड़ है। क्यों है ये मुझे नहीं मालूम, ये तो आप बता पाएंगे। और वहाँ से जो वो माहौल बना, जैसे यंगस्टर है, बांग्लादेश की बात आप यंगस्टर से पूछिए तो कितनों को पता है, उनको तो वो तो मान के चलते हैं कि बांग्लादेश के लगता है लोग पढ़ते लिखते हैं तो 70-71 सबने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा ना, लेकिन इम्पैक्ट उसका ये यही देश था, इसी देश की सदन थी जहां इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा गया। 1947 की इंडिया और आज की इंडिया को देखिए, और बात ये होती है कि कुछ हुआ ही नहीं। राष्ट्रवाद पे जब बात होती है होता है कि सवाल उठाए जा रहे हैं, दिनों दिन प्रगति कर रहा है, उसको उस प्रगति पर प्रगति नहीं सकता। प्रगति किसी सरकार से नहीं होती, प्रगति देशवासियों से होती है। अपना नियम है, सारे लोग उससे सहभाग करते हैं, देश आगे बढ़ता है। सरकार का काम है ऐसा माहौल देना जिसमें प्रगति हो, और मेरा ऐसा मानना है कि जब कांग्रेस की सरकारें आई हैं तो ज्यादा प्रगति का माहौल बनता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरों का अलग मानना हो सकता है, और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और होना चाहिए। बाबा भोपाल में आपने अभी कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की, दिग्विजय सिंह साहब चुनाव लड़े, ऐसी उम्मीद थी क्या इस तरह हारेंगे दिग्विजय? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं थी ऐसी। हमने उनसे भी कहा था कि आप कम से कम 2 लाख वोटों से हार रहे हैं। जी नहीं, ये आपका आकलन रहा होगा, पर हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमको ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव करीबी चुनाव, चाहे कुछ मतों से इधर चाहे कुछ मतों से उधर, पर मुझे लगता है कि जो बातें मैंने आपसे कही या तो इनका प्रभाव है, या जो एक बात कही जा रही है इस पर हम सब स्टडी कर रहे हैं अभी, कि 3-4 बातें सामने आती हैं। एक तो आता है कि साहब जो इलेक्शन था वो सिर्फ उस उन इश्यूज़ पे चला गया जिन इश्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, और लोकल कैंडिडेट्स कहीं डिस्कशन में ही नहीं थे। आप समझ रहे हैं, लोकल कैंडिडेट कहीं डिस्कशन में ही नहीं थे,
जबकि ऐसा नहीं है, इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन के मुकाबले कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी, कांग्रेस के वोट भी बढ़े, लेकिन बीजेपी डिड बेटर। तो वो कंसोलिडेशन ऑफ वोट जो उन्होंने किया या अपने पक्ष में जो माहौल किया वो करने में वो सफल रहे। अब वो उनके प्रचार इसमें एक निगेटिव कैंपेन खूब चला, और मैंने मध्य प्रदेश और देश दोनों स्तर पर देखा कि जब यहाँ कहा गया कि बस करो महाराज तो शिवराज सिंह के खिलाफ वोट पड़ा, और जब चौकीदार चोर है कहा गया तो कांग्रेस के खिलाफ वोट पड़ा। देखिए जब नेगेटिव चीजें लोग पसंद नहीं करते। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मोदी जी तो नेगेटिव के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है, उनको तो मान लीजिए नेहरू जी भी अभी तक याद रहते हैं। नहीं, वो बेचारे क्या करें, मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि चाय वाला था, वो कहते हैं हाँ मैं चाय वाला हूँ, तो चाय वाला होना तो बहुत अच्छी बात है। वो बोले चौकीदार, तो उन्होंने कहा हम चौकीदार, उन्होंने कहा चोर है तो कहा चोर है, तो चौकीदार है, चोर है तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहा कि नहीं, तो चौकीदार स्वीकार कर लेते हैं वो, तो चौकीदार होने में क्या बुरी बात है, चाय वाला होने में क्या बुरी बात है, इसमें तो बहुत अच्छी बात है कि अगर अगर चौकीदारों को चोर साबित कर दिया आपने। किसने? मोदी जी के चक्कर में चौकीदार चोर है, मतलब सारे चौकीदार चोर हैं जो भी हैं जहाँ हैं। नहीं नहीं, वो तो नेगेटिव हो गया, वो तो शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा कि मैं ऐसी चौकीदारी कर रहा हूँ, जबकि चौकीदारी तो शायद वहाँ सैनिक कर रहे हैं। तो क्या क्या लगता है मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार बनी, आप सरकार में नहीं आना चाहते, आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते, आप कांग्रेस के लिए पूरी काम करना चाहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि बाबा हैं जो छोटे बाबा, वो थिंक टैंक बन के काम करते हैं पार्टी। नहीं, थिंक टैंक तो कांग्रेस का हर वर्कर या बीजेपी का हर वर्कर उनकी पार्टी के लिए है। थिंक टैंक कुछ ऐसा करे ना कि कम से कम मुख्यमंत्री को ऐसे ऐसे करके मंत्री न चमकाया करें, अधिकारी मंत्री को न चमका दिया करें, मुझे व्यवस्था क्यों नहीं दी। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे करके माननीय कमलनाथ जी को किसी भी मंत्री ने, ऐसा ही हुआ है। हाँ, हमने तो संजय दृष्टि से देखा है। हाँ, वहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने अपना बयान भी दे दिया है, माननीय मंत्री जी ने अपना बयान भी दिया है। एक अखबार ने लिखा है, एक किसी ने ट्वीट भी किया था कि, या सॉरी पोस्ट किया था कि ऐसा वहाँ पे बहस हुई, तो ये मीटिंग्स बहस के लिए ही हैं। हाँ, डेफिनेट बहस के लिए है, और कई बार तो कैबिनेट के पहले हाँ, एक और कैबिनेट होती है जिसमें न जाने क्या क्या हो जाता है। हाँ, नहीं तो ये देखिए, ये जैसे एक परिवार होता है ना, आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो गई हैं, हम लोग संगठित परिवार में बढ़े हैं, तो संगठित परिवार में जब कर्ता आते हैं उसके पहले जो परिवार के आपस के लोग होते हैं वो धम 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 धम, मुखिया एक होता है ना, या तो उसके बाद जब मुखिया जो मैंडेट दे देता है। यहाँ तो आरोप यही है ना कि ढाई मुख्यमंत्रियों की सरकार चल रही है, दिग्विजय सिंह जी भी मुख्यमंत्री हो जाते हैं, कमलनाथ जी भी हो जाते हैं, कैसे पॉसिबल, ज्योतिरादित्य जी भी हो जाते हैं, कैसे पॉसिबल है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि खुद भी टॉल लीडर्स हैं, वो अपनी बात नहीं रखेंगे, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। ढाई क्या, तीन क्या, चार क्या, 100 मुख्यमंत्री होने चाहिए जो इतना फील करें क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट कि वो बोले, होना चाहिए, सिर्फ यूनिपोलर नहीं होना चाहिए। बड़े बाबा एक बड़ी यूनिक चीज लेके आए थे, जन घोषणा पत्र, लोगों से बात करके, और लोग क्या चाहते हैं वो राजनीति में होना चाहिए। ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या आप भी? यहाँ भी आया था जन, देखिए जन घोषणा पत्र जो थोड़ा सा फर्क आया, जन घोषणा पत्र तो बरसों से आ रहा है, हर पार्टी का लगभग आता है, कोई उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, वचन पत्र, वचन पत्र कह देता है, सब अपना नाम नॉमेनक्लेचर बदल लेते हैं। इस घोषणा पत्र में एक नई चीज हुई इस बार, क्योंकि मेरे परिवार का मामला है इसलिए मैं जानता हूँ, टी एस सिंहदेव साहब की जवाबदारी AICC से मिली कि उनको इसको बनाना है, तो वो जो प्रक्रिया थी वो घर में बात हो रही थी, तो हमारे बेटे अभी नए आए हैं बाहर से, उनकी पढ़ाई भोपाल में हुई, फिर दिल्ली पढ़े, फिर स्कॉलरशिप स्टूडेंट होके बर्कली चले गए। बर्कली का बड़ा पॉलिटिकल इतिहास भी है, बर्कली में अमेरिका के बहुत सारे लीडर्स जो रेवोल्यूशनरी रहे वहाँ पढ़े हैं, वहाँ से उन्होंने प्रोडक्ट डिज़ाइन की, फिर नौकरी करी 2 साल, स्लम बजर ऑयल रिग कंपनी है, प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं ये नए नए डिज़ाइन, जो एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग मॉडल्स हैं उसको कैसे और सुंदर किया जाए, और सुचारू किया जाए, और जनहितकारी किया जाए, ये उनका काम है। तो उन्होंने भाई साहब से पूछना चाहा कि बड़े दाऊ ये कैसे बनता है मैनिफेस्टो, तो उन्होंने बताया कि हमारे वर्कर्स हैं पूरे स्टेट में, विलेज लेवल पे काम करते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, फिर डिविजनल लेवल पे काम करते हैं, तो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, हम सब मीटिंग्स करते हैं, सब वहाँ से आवाज़ लाते हैं, और जब वो आवाज़ आती है सबकी कि सबको ये चाहिए ये चाहिए, उसमें से जो पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से और स्टेट के लिए अच्छा है वो इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, ऐसे हम। तो उसने फिर उनसे सवाल किया, पर आप तो लोगों से मिले ही नहीं, पार्टी की बात है। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो सब, इसने फिर सवाल किया, पर बड़े साहब आप तो लोगों से मिले ही नहीं।
जब उसने तीसरी बार सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तो मैं कैसे पूरे प्रदेश में सबसे मिलूंगा, तो उसने कहा लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो जो सबकी आवाज़ आ रही है वो तो आने दीजिए, आपको भी मिलना चाहिए जाके सबसे। उसके बाद वो 6-8 महीने गए लगातार, जिले जिले गए, जहां जहां तक, क्योंकि ये 6-8 महीने पहले ही हुआ। कांग्रेस को उससे जबरदस्त लाभ भी मिला। हाँ, डेफिनेटली मिला होगा, क्योंकि लोगों को अनुराग जी ने कहा कि साहब ये ऐसे होना चाहिए जैसे अभी आपने व्यवस्थाओं के बारे में, और वो मैनिफेस्टो में दिखा तो जुड़ाव महसूस हुआ, मेरी बात सुनी गई, जनता और क्या चाह रही। पार्टी कोई भी हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाह तो प्रतिनिधित्व ही रहे ना। हम तो यही चाहते हैं कि आप भी कांग्रेस के थिंक टैंक के कुछ बड़ा काम करें, ऐसे ही जिस तरह से जन घोषणा पत्र अभी जो टीएस सिंहदेव साहब लेके आए, ऐसे आप भी कोई, अभी जो हम लोग छोटे छोटे काम यहाँ प्लान कर रहे हैं भोपाल लेवल पे, अगर मैं आपको बताऊं तो बड़े तालाब को बचाने के लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी जन सुविधाएं जिसमें दिक्कत आ रही है, जैसे BRTS है या ग्राउंड्स भोपाल के ख़त्म हो गए हैं, बच्चों इंडोर्स बहुत रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा TV कंप्यूटर मोबाइल पे ग्लू हो रहे हैं, इससे बीमारियों की शंका आगे बहुत रहेगी, तो वापस वो मैदानों में दिखें, ऐसे प्रयास छोटे लेवल पे कर रहे हैं। और बड़े लेवल पे तो हमारे नेता इतने परिपक्व हैं कि हम लोगों को वो मार्गदर्शन देते हैं कि हमको कैसे चलना चाहिए। ये बात ज़रूर है कि हम लोगों को बुला के सुनते हैं, और जब तक सुनते रहेंगे तब तक अच्छा चलता रहेगा, ये हर पार्टी के लिए है। जब आप सुनना बंद कर देंगे और केवल सुनाना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी दूरी पब्लिक से हो जाएगी। ये थे अरुणेश्वर सिंहदेव यानी छोटे बाबा, आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।